हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 5 2 में बी। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15 एंड 25। ये तीनों के हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने के हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 5 के देखेंगे, फिर 15 के और फिर 25 के। तो द फैक्टर ऑफ 5 आर 1 एंड 5, क्योंकि 5 एक ही टेबल में आता है। 5 है वो प्राइम नंबर है, इसीलिए इसके दो फैक्टर होते हैं। अभी है 15, 15 प्राइम नहीं है, 15 कंपोजिट है। तो उसके कितने फैक्टर है? 4 है। 5 वन ज़ा 5, 3 फाइव ज़ा 5 एंड 5 3, 5 3 ज़ा 5 एंड 15 वन ज़ा 15। तो इसके हो गए 4 फैक्टर। 15 के फैक्टर है 1, 3, 5 एंड 15। फिर है 25, तो 25 के 3 फैक्टर है, वो भी कंपोजिट नंबर है। जो टेबल में आता है वो कंपोजिट होता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो इसके फैक्टर कितने हैं? 5 25 वन ज़ा 25, 5 फाइव ज़ा 25 एंड 25 वन ज़ा 25। तो हो गए 3 फैक्टर। तो 5 के 2 फैक्टर है, 15 के 4 है एंड 25 के 3 है। लेकिन हमें इसमें से क्या फाइंड करना, क्या है? तीनों में कॉमन कौन कौन से है? तो तीनों में कॉमन कौन है? तो कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15 एंड 25 आर 1 एंड 5, दो है 1 एंड 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ। तो इसमें है ए 6 एंड 8, बी है 12 एंड 18। तो सबसे पहले हमें 6 के मल्टीप्लाई लिखने के हैं, फिर 8 के, तो फिर दोनों के कॉमन मल्टीप्लाई आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई ऑफ 6 आर, तो 6 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, 6 फोर ज़ा 25, 4 6 5 ज़ा 36, 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 ऐसा इतना सारा 6 का जो टेबल है वो हम 10 तक करेंगे, तो 6 10 ज़ा 60। ठीक है, फिर आगे कॉमन फैक्टर लेने के इसलिए आगे भी जाना पड़ेगा। तो 11 6 ज़ा 66 एंड 12 6 ज़ा 72। ठीक है, हम यहाँ तक करेंगे। फिर है 8 लेंगे, तो 8 में 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ा 32, 8 फाइव ज़ा 40, 8 सिक्स ज़ा 48, 8 सेवन ज़ा 56, 8 एट ज़ा 64, 8 नाइन ज़ा 72 एंड 8 टेन ज़ा 80। तो इसमें दोनों में हम कॉमन फैक्टर कौन कौन से देखेंगे? तो सबसे पहले है 24, दोनों में कॉमन है, 48 कॉमन है एंड 72 कॉमन है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि द कॉमन फैक्टर, द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाई, सॉरी फैक्टर नहीं है, मल्टीप्लाई है, सॉरी। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 6 एंड 8 आर 24, 48 एंड 72। मल्टीप्लाई किसको कहते हैं? जो टेबल होते हैं उसके जो टेबल है वो सारा लिखने का है। पहले 8 तो 8 का, 6 तो 6 का, और वहाँ तक ले जाना है कि उसके 3 कॉमन मल्टीप्लाई हमें मिल सके। तो देखो, 6 का टेबल तो 60 से फिनिश होता है, लेकिन फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई कॉमन करने के लिए हमें उससे आगे 11 और 12 तक जाना पड़ता है। तो ये हो गया ऐसे लिखने का है। फिर 8 का भी हम 8 का तो 10 तक ही लिखा, इसमें दोनों के फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई हमें मिल गए। तो कौन कौन से है?
24, 48 एंड 72 ये दोनों के फर्स्ट थ्री मल्टीप्लाई कॉमन मल्टीप्लाई हमें मिल गए। तो यहाँ से रुक जाने का है, फिर आगे है क्वेश्चन नंबर बी। इसमें किसके मल्टीप्लाई लिखने के है, 12 और 24 के फर्स्ट थ्री मल्टीप्लाई लिखने के है। तो इसके लिए हमें जैसे आगे हमने किया है ऐसे ही करने का है। तो पहले 12 का टेबल लिखने का है, फिर 18 का लिखने का है, और याद रहे हमें इसमें से थ्री कॉमन मल्टीप्लाई हम फाइंड कर सके वहाँ तक लिखने का है। तो फर्स्ट में हम 12 का टेबल लिखेंगे, देखेंगे 12 के मल्टीप्लाई देखेंगे। तो 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 36, 48, 12 फाइव ज़ा 60, 12 सिक्स ज़ा 72, 12 सेवन ज़ा 84, 12 एट ज़ा 96, 12 नाइन ज़ा 108 और 12 टेन ज़ा 120। तो अब हम 12 का हो गया, तो अब हम 24 का करेंगे, सॉरी 18 का टेबल करेंगे। तो यहाँ पे हम 18 मंजा 18, तो 18 थ्रू ओसा 36, थ्री ज़ा 54, फोरसा 72, फिर फाइव ज़ा 90, सिक्स ज़ा 108, सेवन ज़ा 126 एंड फिर 8 ज़ा 144 एंड 62। तो ये हमने 9 तक लिखा, तो हमें देखा कि दोनों के कॉमन थ्री मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो 12 में है 36, तो 18 में भी है 36, 12 में 72, तो इसमें 18 में भी 72 है, 12 में 9 ज़ा 108 है, तो इसमें भी 108 है, 18 सिक्स ज़ा 108 है, ठीक है। हाँ, फिर है तो हम कॉमन फैक्टर इसमें कितने हैं, तो 12 एंड 18 में तो कॉमन फैक्टर है, देखो मैंने राउंड करके भी दिखाया है, तो इसमें है 36, 72 एंड 108। तो दोनों के हमें फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीप्लाइज मिल गए हैं, तो हमने वो लिख दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करने का है, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीप्लाई है लेकिन 100 से लेस, 100 से कम होने चाहिए, वो हमें लिखने के है। इसके लिए सबसे पहले हमें 3 का मल्टीप्लाई सब लिखने का है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, ये सब किसके हैं, 3 के मल्टीप्लाई है। फिर 72, 75, 78, 81, तो जो 81 तो 82, 83 तो 84, फिर 85, 86, 87, 88, 89, तो 90, दो दो छोड़ के फिर लिख देने के हैं, तो आएंगे 99 तक, ठीक है। तो अब हम लेंगे मल्टीप्लाई हो 4, ठीक है। तो 4 में भी ऐसे ही करने का है, उसमें देखो सबसे पहले 4 है ना, तो 4, 8, 12, 5, 6, 7, 3, 3 छोड़ छोड़ के फिर लिखने के हैं हमें। तो 4, फिर 5, 6, 7, तो 8, फिर 9, 10, 11, तो 12, ऐसे 96 तक हमें कॉमन मल्टीप्लाई 4 के लिख देने के है, क्योंकि इसमें लिखा है कि लेस देन 100, तो हमने 96 तक लिख दिया।
तो अब दोनों के कॉमन मल्टीप्लाई हम देखेंगे तो आएगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96. तो ये हो गए 3 and 4 के कॉमन मल्टीप्लाई लेस देन 100. तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 3.4 सम नंबर 4. और आगे हम करेंगे. थैंक यू.